नमस्कार दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं डिप्रेशन को लेकर बना रही हूँ, ख़ास तौर से उस युवा पीढ़ी के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। और अक्सर हम न्यूज़पेपर में और मीडिया में, न्यूज़ में देखते रहते हैं कि कितने ही लोग सुसाइड कर रहे हैं, पूरी पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है डिप्रेशन की वजह से। तो एक इस वीडियो को मेरा बनाने का बड़ा मन हुआ कि मैं अपनी बात दिल की शेयर करूं, जैसा मैं सोचती हूं। तो इस बात को समझाने के लिए मैं पहले एक छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, एक बात बताना चाहूंगी कि एक फ़ोटोग्राफ़र था जो कि फ़ोटो खींचता था, उसने बाहर बोर्ड लगा रखा था कि अगर आप जैसे ओरिजिनल हो ऐसी अगर आप फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो तो उसके 20 रुपये लगेंगे, अगर आप जैसा मन में सोचते हो कि ऐसा मैं ऐसी फ़ोटो खिंचवाऊँ तो उसके लिए 30 रुपये लगेंगे, और जैसा लोगों को दिखाना चाहते हो आप अगर ऐसी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो तो उसके 50 रुपये लगेंगे। एक बार फोटोग्राफर से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके पास कैसे लोग ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, तो उसने बताया मेरे पास आज तक 20 रुपये वाली फ़ोटो किसी भी नहीं खिंचवाई, सभी लोग 50 रुपये वाली फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, वो लोगों को दिखाना चाहते हैं वो कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कितने पैसे वाले हैं, वो ज़िंदगी दिखाना चाहते हैं जो फेक ज़िंदगी है, जो ओरिजिनल ज़िंदगी है ही नहीं। दोस्तों, हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती जा रही है। आज हमारी युवा पीढ़ी सबसे पहले कोई अकाउंट खुलवाती है अपनी सैलरी का, तो उसके लिए सबसे पहले क्रेडिट कार्ड इशू कराती है। और क्रेडिट कार्ड क्यों, क्रेडिट कार्ड से एक लालच मिलता है कि जो उसकी ईएमआई है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता कोई, और जब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है तो हमें एक लालच रहता है अरे भाई मकान बनवा लेते हैं, ईएमआई उसकी बन जाएगी, मोबाइल खरीदते हैं महंगे से महंगा, अरे ईएमआई उसकी बना लेते हैं। यानी कहने के मतलब ये कि हर वो लग्जरी आइटम वो घर में रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं जो उनको ज़रूरत भी नहीं है, और अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए वो हर चीज़ खरीद लेते हैं और हर चीज़ की ईएमआई बन जाती है। क्यों सोचते हैं कि अरे अगले महीने जब सैलरी आएगी तो दे देंगे, नतीजा ये होता है कि उनकी पूरी सैलरी जो है ईएमआई में निकल जाती है। तभी तो दोनों हस्बैंड वाइफ को कमाना पड़ता है, क्योंकि ईएमआई अपनी मोटी सैलरी के बावजूद भी उनका घर का खर्चा नहीं चल पाता, क्योंकि एक सैलरी तो पूरी ईएमआई में निकल जाती है। अब होता क्या है, अब लॉकडाउन में जब 3 महीने हम लोग सब लोग बंद रहे, हमारे पास जॉब नहीं रही या वर्क फ्रॉम होम किया, या बहुत सारे लोग उनकी सैलरी डिडक्ट करके दी गई, या बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई, जॉब से निकाल दिया गया, नतीजा ये हुआ कि वो लोग डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि अब उनको ये डर लग रहा है कि उनकी जो ईएमआई थी अब वो कैसे जाएगी, क्योंकि हमने अपनी सैलरी पे डिपेंड होके अपने सारे खर्चे बांध दिए थे बिना इस बात की चिंता करे कि कल क्या होगा। तो हमारी जो पीढ़ी है नई, प्लीज़ मेरा उनसे गुजारिश है कि क्रेडिट कार्ड का मतलब सिर्फ ईएमआई नहीं होता, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि कभी कोई इमरजेंसी आपके पास आती है, आपके पास पैसे की क्राइसिस है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। एक कुछ पंक्तियां आपके लिए सुनाना चाहूंगी, हमारी आंखों में नींद नहीं है मगर जिनकी आंखों में नींद होती है उनके पास बिस्तर नहीं होते सोने के लिए, और जिनके पास बिस्तर होते हैं उनकी आंखों में नींद नहीं होती, जिनके पास खाने को होता है उनके पास भोजन नहीं होता, और जिनके पास भोजन होता है वो खाना नहीं चाहते, जिनके पास दया होती है लोगों के प्रति, करुणा होती है, उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, और जिनके पास देने के लिए बहुत कुछ है उनके मन में करुणा नहीं होती, जो रिश्ते निभाना जानते हैं उनसे रिश्ते नहीं रखना चाहता कोई, और जो रिश्ते नहीं रखना चाहते उनसे सब रिश्ते निभाना चाहते हैं, कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, इस दिखावे की ज़िंदगी से बाहर आइए, वो 20 रुपये वाली फ़ोटो खिंचवाने में अपना इंटरेस्ट रखिए, ना कि 50 रुपये वाली। दिखावे में कुछ भी नहीं रखा, आप जो ओरिजिनल हो वो ओरिजिनल रहिए, लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो वो लोग जिनको आप दिखा रहे थे कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। इसलिए आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो,
ईश्वर ने आपको बहुत सुंदर, बहुत होशियार बनाया है, उसमें बिलीव रखिए और मत दिखावे की जिंदगी तरफ जाए। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी, जो लोग अवसाद की स्थिति में हैं, नौकरी की वजह से, जिनके पास नौकरी नहीं है, किसी वजह से परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, फैमिली को लेकर परेशान है, परेशान मत होइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिर से एक नई सुबह होगी, फिर से चिड़ियाँ चहकेंगी, फिर से एक उजाला जिंदगी में आएगा। इस वक्त को गुजर जाने दीजिए, हौसला और हिम्मत रखिए, अगर वो चला गया तो कुछ भी वापस नहीं आएगा, इसलिए हिम्मत से काम लीजिए। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे पास आकर अपनी राय जान सकते हैं, अपने डिप्रेशन का सॉल्यूशन ले सकते हैं, हमसे बात करके अपने डिप्रेशन को हल्का कर सकते हैं, तो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप इम्पल्स माइंड एकेडमी पर आकर। थैंक यू वेरी मच।